चोर और लुटेरे कितने भी सातिर क्यों न हो, लेकिन मुंबई पुलिस की तीसरी आंख से बच नहीं सकते। यही वजह है कि मुंबई की कुरार पुलिस की तीसरी आंख ने 5 लुटेरे को गिरफ्तार किया है। यह वही लुटेरे हैं जो रात के अंधेरे में पैसेंजर के तौर पर बिठाते हैं, और जब पैसेंजर उनकी ऑटो रिक्शा में बैठता है तो उन्हें लूट कर उन्हें धक्का मार देते हैं। दरअसल कुरार पुलिस स्टेशन के हट में एक शिकायत मिली थी कि कुछ यात्री ऑटो रिक्शा में सफ़र कर रहे थे। उस दौरान ऑटो रिक्शा में सफ़र करने वाले कुछ लोग तलवार दिखाकर और हथियार दिखाकर उन यात्रियों को लूटने की कोशिश की, बल्कि 5,000 रुपये लूट लिए। उसके बाद चलती ऑटो से उन्हें धक्का मारकर फेंक दिए। इस शिकायत के बाद मुंबई की कुरार पुलिस ने तुरंत एक्शन में आई, और एक्शन में आते ही CCTV फुटेज खंगालना शुरू किया। लेकिन इस बीच जो अहम जानकारी मिली वो बेहद चौंकाने वाली थी, क्योंकि यह लुटेरे काफ़ी लंबे समय से रात के अंधेरे में ऑटो रिक्शा चलाते हैं और ऑटो रिक्शा में जो पैसेंजर बैठता है उन्हें लूटने का काम करते हैं। फिलहाल उनकी गिरफ्तारी शिवाजी महाराज की तस्वीरों के जरिए हुई है। यह हैरान करने वाली बात है कि जिस ऑटो से वह लोग इस तरह के लूट को अंजाम देते थे, उस ऑटो के पीछे शिवाजी महाराज की एक तस्वीर लगी थी। उसी तस्वीर के जरिए कुरार पुलिस जो है उन आरोपियों तक पहुँचने में कामयाब हुई। फिलहाल यह कहा जा सकता है कि मुंबई पुलिस की तीसरी आंख उन सभी आरोपियों के लिए बेहद खतरनाक जो है 18 तारीख की रात की है, 1 बजे की। दो दोस्त होटल में खाना खाए और वापस जा रहे थे, वो ऑटो के लिए एक वेट कर रहे थे, तब एक ऑटो आई, उसमें 5 लोग बैठे थे और उन्होंने इनको भी यानी कि बैठने को कहा और इनको साथ में लेके गए। थोड़ा आगे जाने के बाद उनको गला दबा के और उनको यानी कि वेपन दिखा के उनको डराया, और यानी कि उनके जो वॉलेट में 5,000 रुपये थे, मोबाइल थे, वो निकाल कर वो भाग गए और दोनों को जो है नीचे फेंक दिया। तो इस तरह का कुरार पुलिस स्टेशन में गुनाह दाखिल था और अभी 5 के 5 जो है आरोपी है अरेस्ट किए गए। ये जो एक CCTV में ये कहा गया था कि ऑटो के पीछे एक स्टिकर लगा हुआ है, तो वो जो स्टिकर जो हमने हर एक रिक्शा स्टैंड है वहाँ दिखाया, और इस तरह से यानी कि इस तरह की रिक्शा कौन से स्टैंड पे खड़ी रहती है, इस तरह से यानी कि जानकारी लेने की कोशिश किया तो पता चला और ये जो आरोपी है अरेस्ट हो गए। इसमें से 2 आरोपी है उनका यानी कि उनका पहले का रिकॉर्ड है, कहने की मारपीट का भी है और चोरी का भी गुनाह इनके पर खिलाफ दाखिल है।